बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। ईंट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकें वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। मेरी मंजिलें मेरे करीब हैं, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर डर नहीं मिला। उस माँ के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने की बात। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। संबंध आत्मा से हो तो दिल नहीं भरा करते। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले
अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो। जलील न किया करो किसी फकीर को ए दोस्त, वो भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हर वक्त हद से ज्यादा रुलाता है वो, हम सपने में भी जिसको रोने नहीं देते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन बैठिए वहां जहां अपनेपन का एहसास हो। कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लो, लेकिन जब कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी औकात ही भूल जाए। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कीजिए। दर्द होता है ये देखकर, तेरे पास सबके लिए वक्त है बस मुझे छोड़कर। दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई और हम एतबार करके गुनाहगार हो गए। दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, फिर देखना तू भी एक सिकंदर है। जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। मैं तुझसे नहीं तेरे वक्त से नाराज हूं, जो कभी तुझे मिला ही नहीं मेरे लिए। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। प्यार करो उसे जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करे। गलती ये हुई हमसे कि उसे जान से ज्यादा चाहने लगे। क्या पता था मेरी इतनी परवाह उसे लापरवाह कर देगी। उसकी कदर करने में कभी देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। जो ये कहते हैं कि तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा रुलाते हैं। लोग आते हैं, इजहार करते हैं, प्यार करते हैं, दिल दुखाते हैं, बहुत रुलाते हैं, बर्बाद करते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ दो तरह के लोग ही हमें रुलाते हैं, एक अपने, दूसरे बहुत ज्यादा अपने। कितना ही सच्चाई से निभा लो तुम रिश्ते, पर जिसे बदलना होता है ना, वो बदल ही जाता है। अक्सर उन्हीं लोगों को हमारे दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता, जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में बहुत शौक से अपना घर बना लेते हैं, लेकिन जब उसमें रहने की बारी आती है ना, तो ठिकाना बदल लेते हैं। आजकल लोग भी आईने की तरह हो गए हैं, जो सामने आता है उसी के हो जाते हैं। जिंदगी में एक दिन हमें ये समझ में जरूर आता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, लेकिन जब तक ये समझ में आता है ना, तब तक बहुत देर हो जाती है। सारी दुनिया से झगड़ के तुझ पे विश्वास किया था, लेकिन आखिर में वही सच निकला जो लोगों ने कहा था। जिस इंसान को कभी हमें खोने का ही डर नहीं था, उस इंसान को हमारे ना होने का अफसोस क्या होगा। तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता तो तुम्हें रोना ही ना पड़ता।
कुछ लोगों को हम अपनी जिंदगी से आजाद तो कर देते हैं, लेकिन कभी माफ नहीं कर पाते। जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, हमें रुलाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते। सच तो ये है कि लोग बदलते नहीं, बस एक दिन उनके जूठे नकाब उतर जाते हैं। जब भरोसा ही टूट जाता है तो माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब दिल दुख में और रूह दर्द में लिपटी हो तो दुआएं कमाल की निकलती है। वास्तव में हमारे अपने हमें कभी दर्द नहीं देते, दर्द वो देते हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। ये इश्क है जनाब, यहाँ इंसान निखरता भी कमाल का है और बिखरता भी कमाल का है। ये वक्त भी एक तराजू की तरह है जो बुरे वक्त में अपनों का और परायों का वजन बता देता है। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो आपका है वो आपको देखकर कभी बिजी नहीं हो सकता, और जो आपको देखकर बिजी हो जाए वो आपका कभी नहीं हो सकता। बनाकर अपना फिर कुछ दिनों में बेगाना कर देते हैं, और भर जाता है जब लोगों का दिल तो मजबूरी का बहाना कर देते हैं। जिनके लिए हम अक्सर उदास रहते हैं उनके लिए हम कुछ मायने ही नहीं रखते। हमारा दर्द कभी कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उसे आपके बिना ही जीने दो। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खो नहीं जाते बल्कि बदल जाते हैं। ये जो मेरे हालात हैं एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। एक सच्चे और अच्छे रिश्ते को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस तो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा समझ सके। किसी पर जरूरत से कम विश्वास करो तो वो बुरा मान सकता है, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करो तो वो बहुत बुरा कर सकता है। जब तक जिंदगी में ठोकर ना लगे तब तक हर इंसान को अपने फैसलों पर गुरूर होता है। ना रख किसी से मोहब्बत की उम्मीद, क्योंकि लोग खूबसूरत तो हैं लेकिन वफादार नहीं। चले जाना तेरा फैसला था और माफी मेरी मोहब्बत, यकीन मेरी गलती थी और झूठ तेरी फितरत। किसी का संग करने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि उसके रंग कितने हैं। प्राण निकल जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन रिश्तों में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन सारी जिंदगी जलता है। इस हद तक तेरा साथ निभाया हमने कि साथ छोड़ने के फैसले में भी हमने तेरा ही साथ दिया। झूठे लोग किसी का सच्चा प्यार तक भूल जाते हैं, लेकिन सच्चे लोग किसी का झूठा प्यार भी नहीं भुला पाते। प्रेम हमेशा सॉरी कहना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सॉरी सुनना पसंद करता है। बहुत जी लिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब उनके लिए जीना है जिनके लिए मैं सब कुछ हूं। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जो लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बड़ी हसीन थी जिंदगी जब किसी से ना मोहब्बत थी ना नफरत थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मोहब्बत एक से हुई और नफरत सारी दुनिया से हो गई। आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ आती है। धोखा देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, लेकिन साथ निभाने वाला रास्ता खोजता है। हमारी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। कुछ रिश्तों से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। जितना गहरा रिश्ता
उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हमारी बर्बादी का हमें कोई शिकवा नहीं, अफसोस सिर्फ इतना है कि तूने साथ नहीं दिया। कहते हैं कि एक गलतफहमी किसी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ सकती है, लेकिन वो रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो किसी एक गलतफहमी से टूट जाए। पैर पे लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और दिल पे लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जिंदगी में एक बात याद रखना, उसके पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। दो कौड़ी का प्यार और मतलब का याराना है, मतलब निकल जाने के बाद यहां हर कोई बेगाना है। इतने भी प्यारे नहीं हो तुम, बस मेरी चाहत ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। कभी कभी अधूरी मोहब्बत इंसान को पूरा खा जाती है। फिर यूं हुआ कि खत्म ही हो गए वो रिश्ते जिनसे मिलके लगा था कि सदियों तक साथ निभाएंगे। जिन्हें अपने प्यार की कदर होती है वो उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। तुम्हारे बाद बड़ा फर्क आ गया है हम में, क्योंकि तुम्हारे बाद हम किसी पर खफा नहीं हुए। मेरी फितरत में नहीं उन परिंदों से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। यही फितरत है हम इंसानों की, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते, और मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। वो आराम से रहते हैं जिनका दिल पत्थर का है, सारी मुसीबतें तो बस एहसास वालों के लिए हैं। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाजा तभी होता है जब वो किसी को एक झलक देखने के लिए भी तरस जाता है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते सच की एक मामूली सी चोट से टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो कभी हमारा होता ही नहीं, हम उसे खोने से हमेशा डरते रहते हैं। तू वही है ना जिसने पहले फंसाया, फिर हंसाया, फिर अपना बनाकर बहुत रुलाया। खाली जेब और प्यार में मिला धोखा इंसान को वो सबक सिखा देते हैं जो दुनिया का बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा सकता। हमने सुना था लोग प्यार में जान भी दे देते हैं, लेकिन जो वक्त नहीं देता वो जान कहां से देगा। किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता अब, न जाने क्यों सब झूठे से लगते हैं। मेरे बिना क्या अपनी जिंदगी गुजार लोगे तुम? इश्क हूं कोई बुखार नहीं जो दवा से उतार लोगे तुम। खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग आपको नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो। बहुत फर्क होता है अकेले रहने में और अकेले रह जाने में। रिश्ते हो या बर्फ हो, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। ना आवाज हुई ना तमाशा हुआ, बस खामोशी से टूट गया एक भरोसा जो तुझ पे था। तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगा जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो तो दौलत को मत गिनना, अपनी आंख के आंसू गिराना, फिर देखना कि कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। परीक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल सा हूं मैं, हर किसी ने छोड़ा मुझे बिना समझे। कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा।
जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अभिमान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे, खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना, आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। शीशे की तरह आर पार हूं, फिर भी बहुतों की समझ से बाहर हूं। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो जिनको ये भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर जो लोग दूसरों के जख्मों को भरा करते हैं, उन्हें खुद के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता। इतने बेवफा नहीं है जो उनको भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले प्यार बहुत करते हैं। नफरत करने से बढ़ जाती है अहमियत किसी की, क्यों ना माफ करके उसको शर्मिंदा कर दिया जाए। झूठी उम्मीद दिलाते रहते हैं जमाने वाले, पता नहीं कब लौट कर चले जाते हैं। छोड़कर जाने वाले वाकिफ हैं हम इस दुनिया के रिवाजों से। जब दिल भर जाता है तो हर इंसान भुला देता है। ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं भी उसकी चाहत हूं। गुजरते वक्त ने बताया कि उसे तो सिर्फ वक्त गुजारना था। लहजे समझ आ जाते हैं मुझे लोगों के, बस लोगों को शर्मिंदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी तरह आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं, कोई जीके तो बताए। आज के वक्त में वही इंसान सफल है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। उजड़ जाते हैं सिर से पांव तक वो लोग जो किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो जो जागते हैं तन्हा रातों में किसी शख्स के लिए, वो ही जानते हैं कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी ज्यादा गहरे हो गए। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, लेकिन धोखे हर मोड़ पर अक्सर मिल जाया करते हैं। यूं तो बहुत लोग मिले जिंदगी में, बस सिर्फ वो नहीं मिला जिसकी आरजू हर दुआ में की थी, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दो गुनी और दुख आधा रह जाए, बस वो ही अपना है, बाकी तो सारी दुनिया पराई है। कितनी मोहब्बतों को मजबूरियां खा गई, और जो कुछ रिश्ते बचे थे उन्हें दूरियां खा गई। हम तो सिर्फ एक जरूरत थे उसके लिए, जरूरी तो कोई और था उसके लिए। प्यार अगर सच्चा हो तो वो कभी नहीं बदलता, ना वक्त के साथ और ना हालात के साथ। जिंदगी में हमने कभी कुछ चाहा ही नहीं, जिसे चाहा उसे कभी पाया ही नहीं, जिसे पाया उसे यूं खो दिया जैसे जिंदगी में कभी कोई आया ही नहीं। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाकर रखना, क्योंकि जिंदगी में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग आते जाते रहते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। ना कर उस पर जुल्म जो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे काबिल ना सही, मगर इंसान तो है, कमाल है ना। किताबों में तो हमने कुछ और ही पढ़ा, लेकिन जिंदगी तो कुछ और ही सिखा देती है। गणित बेशक कमजोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है।
जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। मैंने जिंदगी से कुछ नहीं मांगा उसके सिवा, और जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया उसके सिवा। देर से ही सही, लोग बदलते जरूर हैं, हम सही हो या गलत, पर लोग परखते जरूर हैं। अब उनसे भी क्या शिकायत करनी जिनके कानों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचती। वादे तो हजार किए थे तूने, चल बता दे उनमें से कोई एक जो तूने निभाया हो। जो कहते थे कि जीना सकेंगे तेरे बिना, वो आज भी जिंदा है किसी और से ये सब कहने के लिए। जो कहता था कि हम सिर्फ तेरे हैं, आज पता चला कि उनकी इस लाइन के पीछे बहुत से चेहरे हैं। कसम खाते हैं जो लोग सात जन्म तक साथ निभाने की, वक्त आने पर सात कदम साथ उनसे चला नहीं जाता। एक वक्त था जब घंटों तक तेरे कॉल और मैसेजेस का इंतजार किया करते थे, पल पल तेरे प्यार के लिए मरा करते थे, पर इस कदर दिल तोड़ दिया है तूने, ना तेरा प्यार चाहिए, ना तेरा वक्त चाहिए, और ना तू चाहिए। सजा के रखना अपने घमंड को अपने सर पर, अब तुझसे बात करना तो दूर, तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। रोएगा वो शख्स भी एक दिन, जिस दिन हमें किसी और के साथ हंसता हुआ पाएगा। बंद कर दिए तेरे लिए दिल के दरवाजे हमने, अब ये मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं जो हर बार खेल जाओगे। वो कहते थे कि तू तो मेरा भगवान है, वो कहते थे कि तू तो मेरा भगवान है। ये समझ में तब आया जब लोगों को भगवान से प्यार करते नहीं हमेशा मांगते देखा। सोच अलग हो सकती है हमारी, मगर प्यार में खुद को लुटा देने की ताकत तेरे जैसे मतलबी इंसान के बस की बात नहीं। माना प्यार दोनों ने किया था, माना प्यार दोनों ने किया था, तूने जो किया था उसे मन की चाहत कहते हैं, और हमने जो किया था उसे रूह की इबादत कहते हैं। जो कहते थे कि मर जाएंगे तेरे बिना, पता चला बड़ा नाचते हैं आजकल गैरों की महफिलों में। तू चाहता तो हम एक हो सकते थे, तू चाहता तो हम एक हो सकते थे, पर बात इतनी सी है कि तूने कभी चाहा ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम हमें समझते ही नहीं, वो कहते हैं कि तुम हमें समझते ही नहीं। वो सही कहते हैं, अगर उन्हें समझ जाते तो कभी उनसे मोहब्बत नहीं करते। जब कोई इंसान वही गलती बार बार करे जो तुम्हें दर्द देती है, तो समझ जाओ वो तुम्हारा साथ नहीं चाहता, वो तुमसे छुटकारा चाहता है। सोचते थे कि कैसे जी पाएंगे तेरे बिना, शुक्रगुजार हूं तेरा, तूने ही सिखा दिया वक्त ना देकर तेरे बिना जीना। उसके लिए दुनिया की हर खुशी खरीदने में हम इतने खो गए कि कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि उन्होंने तो कभी एक कागज का फूल तक नहीं खरीदा हमारे लिए। अपनी हर गलती को वो मजबूरी का नाम देके हमें धोखा देते गए, और हम ना समझ उनकी हर बात को सच समझ बैठे। वक्त कैसे मिलता उन्हें हमारे लिए, क्योंकि अभी उन्हें बहुत कुछ पाना है जमाने से। अब हर कोई हमारी तरह प्यार में खुद को तो नहीं लुटा सकता ना। कोई जब बार बार दिल दुखाए तो चाहत छोड़ देनी चाहिए, और जब बात इज्जत पे आए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम वो अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। ये वो दौर है जहां पे मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। ये मत समझना कि लोग बदल जाते हैं, पर सच तो यह है कि उनके नकली नकाब उतर जाते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। एक इंसान अगर आपको दो बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है जनाब। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। कभी कभी सारी दुनिया का प्यार भी किसी एक इंसान के प्यार की जगह नहीं ले पाता।
काश तुम भी जान पाते कि इंतजार का दर्द क्या होता है, तो समझ पाते हमारे एहसासों को। पर गलती हमारी भी है, हमने कभी मौका ही नहीं दिया तुम्हें उस दर्द से रूबरू होने का। नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल के रिश्ते, बात भी करते हैं, हाजिरी भी लगती है, हालात भी पूछे जाते हैं, पर सब कुछ एक मजबूरी में। कई बार ये कहकर लोग पीछे हट जाते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो लोग आदतें तो क्या, अपनी पूरी शख्सियत ही बदल देते हैं। जब किसी का अभिमान इतना बढ़ जाए कि उसका खैर चाहने वालों की भी बातें उसको चुभने लगे, तो समझ लेना अब उसकी खैर नहीं। छोड़ दिया मैंने अब लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जो ना बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं, एक दिन वही एहसास करा देते हैं कि वो पराए हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हम तुमको जिंदगी में कभी रोने नहीं देंगे। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन कद्र करने वाला जरूर होना चाहिए। गलत वो नहीं थे जो धोखा देते हैं, गलत आप हो जो उन्हें मौका देते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। गम मुफ्त में नहीं मिलता किसी को, तेरे जैसा हमसफर होना बहुत जरूरी है। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। कुछ लोग तो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं होते और हम उन पे अपनी मोहब्बत जाया कर देते हैं। जितना मुश्किल किसी को पाना होता है, उससे ज्यादा मुश्किल उसको भुलाना होता है। एक झटका बहुत जरूरी था जनाब, अपनी हद से जो निकल गए थे हम। घाटे और मुनाफे का बाजार नहीं है, इश्क इबादत है, कारोबार नहीं है। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, कोई पास हो तो कहां एहसास होता है। कुछ लोग आते ही हैं जिंदगी में सिर्फ हमें रुलाने के लिए। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ के जाने का। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। सिर्फ एक हम ही है तेरे दिल में, बस यही गलतफहमी बर्बाद कर गई हमें। अगर खुश रहना चाहते हो तो भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे हैं। जो हमारे जज्बातों की कद्र ही नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। दिलों में खोट है, जुबां से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। चल जिंदगी, अब नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी अब वो खुद से करते हैं। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। ऐसे ही नहीं बन जाते गहरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन तो अपनों ने ही दिया होगा। छोड़ दिया अब हमने इंतजार करना, जब किसी के बिना रात गुजर सकती है तो जिंदगी भी गुजर ही जाएगी। कुछ रिश्तों को खत्म कर देने से ज्यादा तकलीफ उनको बनाए रखने में होती है। तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगा जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो, तो दौलत को मत गिनना, अपनी आंख के आंसू गिराना, फिर देखना कि कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की।
परीक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल सा हूं मैं। हर किसी ने छोड़ा मुझे बिना समझे। कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अभिमान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे, खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना, आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। शीशे की तरह आर पार हूं, फिर भी बहुतों की समझ से बाहर हूं।